वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ना मैं आज जा रही हूँ प्रगति मैदान, जो ट्रेड फेयर लगी है वहीं पर। तो हमने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था ना कि हम सारा नहीं घूम पाए हैं, बाकी के एक दो हॉल उसमें छूट चुके हैं क्योंकि एक दिन में कवर नहीं हो सकता है। तो अभी हम जा रहे हैं, मैं और फैसल, जो हमने कवर नहीं करा था वो कवर करने, क्योंकि आज लास्ट है ट्रेड फेयर का। 27th है, आज मंडे है और आज गुरु नानक जयंती की हॉलीडे भी है, तो टिकट महंगा ही है। तो हम चलते हैं वहाँ पर, आपको मिलते हैं। जो ब्लॉक्स, जो हॉल रह गए थे वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला है पिछले ब्लॉग में भी और अब भी बोल रही हूँ कि वो कवर नहीं हो पाए थे, तो आगे का कवर करते हैं। और आज 7:30 बजे तक ही है, तो चलिए चलते हैं और आपको वहाँ पर मिलते हैं। और हमारा पिछला ब्लॉग नहीं देखा हो ट्रेड फेयर का तो प्लीज़ जाके देख लें। चलिए अब आपको वहाँ भी मिलते हैं। प्रगति मैदान में, मतलब हम हैं अंडरग्राउंड में, हमें जाना है ऊपर। अब हमें पता नहीं हम कौन से मेट्रो गेट, मतलब सॉरी कौन से गेट नंबर पे पहुँचेंगे। मैदान की पक्की पार्किंग, हाँ ये प्रगति अंडरग्राउंड 20 मिनट में लेट पहुँचे, थोड़ा टाइम कम है। भीड़ देखिए, भीड़ कितनी हो रही है। आज छुट्टी भी पड़ गई ना, सब एंजॉय करने आ गए हैं यहाँ पे। 150 रुपये के टिकट में, 150 रुपये का आज महंगा है, वैसे 80 रुपये का। और यूपी, अपना यूपी वाचुदे फोटो का। तो यहाँ पर हम एंटर हुए थे उत्तर प्रदेश वाले स्टॉल में, तो यहाँ पर ना सब स्टोन वर्क वाला ही काम था, स्टोन्स का ही बना हुआ था सब कुछ। और ये ताजमहल भी स्टोन से ही बना हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। उसके जस्ट आगे निकले तो यहाँ पर इयररिंग्स थे, कुछ हैंडमेड थे और कुछ नॉर्मल जैसे आप डेली यूज़ में पहनते हो वो वाले थे, बट इनके रेट सबके अलग अलग थे। ट्रेड फेयर थी लास्ट था, तो सेल में भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। फिर मैं पहुंची फुरक्काबाद के स्टॉल में, यहाँ पर जो मिल रहे थे ना बैग्स मिल रहे थे, जिनके 300 से स्टार्टिंग थी। लास्ट था तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी और सामान भी बहुत सेल में मिल रहा। ये भी चलो थोड़ी बड़ी हो जाए। तो ये वाला जो स्टॉल था ना, ये बैदोई का था। इनके कारपेट्स बहुत फेमस होते हैं, बैदोई में बनते हैं, इसलिए वहाँ का हर चीज़ फेमस है कारपेट का। तो यहाँ कारपेट के रेट्स ना 18,000 थे, सेल में वो 12,000 के भी दे रहे थे। उसके जस्ट आगे हम बढ़े थे ना, तो एक आगरा का स्टॉल था, वहाँ पर सब कुछ स्टोन्स का ही था। तो ये जो दे रहे थे ना, ये बहुत कॉस्टली दे रहे थे, बट हमारे पास ये चीज़ है, हमने फतेहपुर से ली थी, तो इसलिए हमको पता था कि इसके असली रेट क्या हैं। उसके जस्ट आगे बढ़े ना, तो यहाँ पर ना ये साड़ीज़ मिल रही थी, सिल्क में थी और कुछ कॉटन्स में थी। इनके रेट भी 1500 से स्टार्ट थे और 1200 थे, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि इनका साड़ीज़ का कलेक्शन जो लेते हैं उनको साड़ीज़ के बारे में पता होगा। ये कश्मीरी एक स्टॉल थी, इनके पास ये क्लचेस जो थे ना, ये 1200 के थे, हैंडमेड थे। फिर ये बुलंदशहर खुर्जा के जो फेमस होते हैं, सारे क्रॉकरी का सामान था ये इनके पास, पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, क्योंकि मुझे, हमको पता है हम दिल्ली में रहते हैं कितने तक के मिल जाते हैं, बट ये खुर्जा से आए थे, बुलंदशहर से, तो भाई सेल में भी नहीं दे रहे थे ये कम रेट में। फिर हम एंटर हुए बिहार वाले स्टॉल में, तो यहाँ पर जो था ना ये सब हैंडमेड था। ये जैसे चूड़ी वगैरह, बैंगल्स वगैरह बनी हुई थी ना, तो ये सब ना उसमें जो लपेट के मुझे पता नहीं है इतना किस चीज़ से बनी हुई थी, बट ये सब हैंडमेड थी और 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ के थे बैग्स। मैम
अब हम जिसमें है ना, ये सब बिहार का पूरा सेक्शन था जो जहाँ पर ये हैंडमेड्स का सामान था, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली दे रहे थे। और ये जो थे ना, ये जूट पे बना हुआ ब्लाउज था, इनके पास जितना भी सब कुछ बना हुआ था ना, सब जूट से बना हुआ था। रेट इनके थोड़े हाई थे, बार्गेनिंग करते लेने वाले तो उन्होंने डेफिनेटली करी होगी, क्योंकि हैंडमेड सामान है, हैंडमेड सामान की हमेशा कॉस्टली ही होती है हर चीज़, क्योंकि जूट की बनी हुई है, जूट की चीज़ तो वैसे भी महंगी ही मिलती है। उसके जस्ट आगे हम बढ़े तो वहाँ पटना का स्टॉल लगा था। ये फाइल जो थी ना, ये भी ना जूट वाले कपड़े से बनी थी। इनका जितना भी ये सब हैंडमेड सामान बना हुआ था ना, डेकोरेशन वाला, सब जूट से बना हुआ था, जो कि 100, 200, 150 रुपीस के दे रहे थे ये। और ये बर्ड्स वगैरह सब मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी देखने में। और इनके जो इयररिंग्स थे ना, वो भी हैंडमेड थे, पेंट हुए हुए थे, जैसे आप हैंडमेड जो घर में बनाते हैं उनको पता होगा, ये पेंटिंग वाले थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। 100 रुपये के 3 दे रहे थे यार, कोई बुरे नहीं थे। इनका कलेक्शन भी ख़त्म हो गया था। और ये वॉलेट जो था ना, 60 रुपीज़ का एक था। उसके बाद ना इन्होंने डॉल्स बना रखी थी। मुझे अपने बचपन में स्कूल वाले दिन याद आ गए कि हम लोगों ने भी ऐसी डॉल्स बनाई थी, जूट से, स्ट्रॉ से, तो ये सब वो थी। और ये जो फाइल थी ना, ये भी जूट वाले से बनी हुई थी, ये भी 100 रुपीज़ की दे रहे थे, बट इसमें इतनी पॉकेट्स नहीं थी रखने के लिए। एक नॉर्मल आप एक दो डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते हैं। कितने का? ये कितने का है? ये 600 का दिया है। सारा सारा ले ले। ये जो ट्रैक्टर आवाज कर रहा है ना, वो रूह को निकाल रहा है, और जो आवाज नहीं करेगा ना, वो 10 ले रहा है। फिर जो हम थे ना, तीसरे हॉल में पहुंच गए, थर्ड नंबर हॉल में। ये सब अंदर अंदर कनेक्ट थे, तो इसलिए सब एक साथ मिक्स थे। यहाँ जूतीज का स्टॉल लगा हुआ था, इनके पास भी अलग अलग वैरायटी के शूज़ थे, मतलब जूतीज थी, कोलापुरी थी, जूतीज थी, सब कुछ था। कॉस्टली था कहीं कहीं पर नहीं। फ्लावर पॉट नहीं, फ्लावर पॉट है ये भी 150 में आएगा, ये 300 में आएगा। ये बिना हैंडल के है, बिना हैंडल, स्टिक पार स्टिक 50 का है। ये अच्छा लग रहा है देख के 60। फिर यहाँ पे डबल बेड सिंगल बेड की बेडशीट का स्टॉल था, जो कि कॉटन वाली, प्योर कॉटन वाली जो बेडशीट होती है, ये वो थी। उसके जस्ट आगे हम बढ़े तो यहाँ पर ये आंटी थी, ये भी हैंडमेड सामान दे रही थी, सब जो भी बैम्बू से और उससे बनता है, ये सब वो वाला था। कप्स थे, मग्स थे, फैन था, ये हमने अपने घर में कभी बचपन में देखे होंगे, अब तो देखने को भी नहीं मिलते ऐसे फैंस, ये था। और यहाँ पर ये टेबल लैम्प था। सबके रेट्स बहुत अच्छे थे, इनके पास 100, 250, 150 के थे। एक्चुअली लास्ट डे था ना, तो सबको अपना सेल में भी निकालना था, और ऊपर से उसके बाद उनकी टाइमिंग भी 7:30 थी, और 5 o'clock तो हो ही चुके थे, भीड़ भी कम होनी स्टार्ट हो चुकी थी। ये ज्वेलरी बॉक्स थे जो कि सिर्फ 100 रुपीज़ के थे। उसके जस्ट आगे चले हम तो यहाँ पर हमको दिखे लेदर वाला पूरा स्टॉल था। ये यहाँ पर लेदर की बेल्ट, लेदर के बैग्स मिल रहे थे। एक्चुअली ट्रेड फेयर है, ट्रेड फेयर में हर सिटी का, हर कंट्री का इंसान आता है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें अलग अलग उसमें होती हैं। ये कश्मीरी जो सूट्स थे ना, वुलन वाले, ये 1200 में सेल में निकाल रहे थे, जो इन्होंने अभी हमें 4-5 दिन पहले 2000 रुपये के बताए थे ना, तो आप देखो कितने कम रेट में दे रहे हैं। ये वाइट कलर का जो कुर्ता था ना, बहुत अच्छा लग रहा था, बट ये 2500 रुपीज़ का था। और फिर हम आए पंजाबी वाले स्टॉल में, मतलब पंजाब के स्टॉल में। यहाँ पर वैसे भी आप लोगों को पता है आजकल ये वाले रुपट्टे कितने ट्रेंड में चल रहे हैं, पंजाबी वाले जो ये रुपट्टे हैं, ये भी ये 1200 रुपीज़ का दे रहे थे, क्योंकि मैंने सुना था वहाँ पर ये अभी कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा कॉस्टली दे रहे थे, और आज इन्होंने ये 1200 रुपीज़ में स्टार्ट कर दिए थे सेल करने। बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। ये सिर्फ अनस्टिच कुर्ते का कपड़ा था, जो कि 900 रुपये का वो दे रहा था। मैंने उसको बोला कि कोई आप सेल नहीं दे रहे, तो बोला कि नहीं हम नहीं दे रहे। उसके जस्ट बराबर में एक लेदर की और शॉप मिली, इनके पास वॉलेट्स थे, 500 रुपीज़ से इनकी स्टार्टिंग थी, इनका भी कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर इसके जस्ट बराबर में स्लीपर्स की एक शॉप थी, इनके पास बहुत अच्छे कलेक्शन में स्लीपर्स थे, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। ये फ्लैट्स वाले 500 रुपीज़ के और 400 रुपीज़ के थे, कहीं कहीं पर सेल में दे रहे थे, कहीं पर नहीं दे रहे।
यहाँ पर जो ये थे ना बैठी हुई, ये मिट्टी से जो बनते ना मिट्टी वाले बर्तन कप और ये सब कुछ कर रहे थे, और यहाँ वो बना भी रहे थे, बिल्कुल वहाँ बनाकर ये रख रहे थे ताज़े ताज़े, मतलब फ्रेश माल बना रहे थे वहाँ बैठकर, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। उसके थोड़ा आगे चले तो ये गुजरात की एक स्टॉल थी, इनके पास ना सारे गुजराती वाली बेडशीट और ये जो कुशन कवर्स वगैरह होते हैं ये थे, और ये जो बेडशीट थी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, दीवान की बेडशीट थी सिर्फ 1200 रुपीज़ की, क्योंकि ये गुजराती लेन में जो है ना जनपद में बहुत ज़्यादा महंगी देते हैं। यहाँ पर हो सकता है उन्होंने सेल में निकाली हो इसलिए सस्ती लग रही थी मुझे, और यहाँ पर फिर से ये मिट्टी वाले बर्तन आ गए थे, घर में होते ही ये सबके मटके वगैरह मिट्टी के। फिर उसके आगे जस्ट हम चले तो फोर्थ वाले हॉल में पहुँच गए, क्योंकि ये आपको जैसे मैंने बताया अंदर अंदर कनेक्ट है। इसमें ज़्यादातर जो था ना अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स थे, मतलब ये पूरा स्टॉल जो था ना एक पूरी लाइन ये सब अफगानिस्तान का ही था। यहाँ बैग्स वगैरह थे, अलग अलग कलेक्शन था, किसी का ड्राई फ्रूट्स का स्टॉल था, किसी का ऐसे होम डेकोर का स्टॉल था, तो ये ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। इनके रेट्स बहुत हाई थे क्योंकि अफगानिस्तान का था। यहाँ खजूर भी 2000 रुपये किलो मिल रहा था। उसके आगे जस्ट गए तो यहाँ पे दुबई का स्टॉल लगा हुआ था, इनके पास भी कलेक्शन बहुत अच्छा था, इनके भी रेट बहुत ज़्यादा हाई थे। फिर हम आ गए टर्की के स्टॉल में, इनका जो कलेक्शन था ना लाइटिंग वाला, ओ माय गॉड, इतना औसम कलेक्शन था ना कि मन करा था बस इनको देखते ही रहो। और इनका सामान जो था ना वो माशाल्लाह इतना ज़्यादा कॉस्टली था, इतना ज़्यादा कॉस्टली था कि लेने से पहले इंसान ना 10 बार सोचेगा कि लें या नहीं लें। यहाँ पर ये जो ये बता रहे हैं ना, जो नीचे ये ट्रे जो रखी है, ये 1000 रुपये की एक दे रहे थे, पर कलेक्शन बहुत ज़्यादा मस्त था, क्योंकि प्योर स्टोन वाला जो होता है ना ये वो था, और ये जिनी का अलादीन वाला चिराग था। फिर हम आ गए थाईलैंड के स्टॉल में। थाईलैंड के इयररिंग्स और क्लिप्स वगैरह तो वैसे भी आजकल बहुत ट्रेंड में, सरोजनी में भी हर जगह मिलते रहते हैं, बट ये जो क्लिप्स थी ना 200 रुपए की थी पेयर, और कलेक्शन इनका बहुत है, क्योंकि थाईलैंड के ना मुझे इयररिंग्स पर्सनली इयररिंग्स और क्लिप्स जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इनके स्टॉल पे हर चीज़ जो थी ना 200 रुपीज़ की थी। ये जो पूरा एरिया था या दूसरी साइड पर, वहाँ पर जो ये हॉल नंबर 4 में एक साइड पर अफगानिस्तान था, एक साइड पर थाईलैंड था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। गर्दन पुलिस की कॉलर। ये वाले स्टॉल में जो था ना कलेक्शन तो अच्छा था, बट ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली दे रहे थे। ये एंकलेट जो थी ना पेयर 200 रुपीस का दे रहे थे, और इनके पास अलग अलग वैरायटी की इयररिंग्स और रिंग्स वगैरह भी थे। उसके बाद हम जस्ट आगे जाने लगे, यहाँ पर ना हमें दिखी ये लकड़ी से जो बनते हैं ना बस और गाड़ी वगैरह, और ये टॉयस जो थे ना ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। हमने सोचा हम अपनी बेटी के लिए ले लें, बट हमने यहाँ से जो छोटा वाला था वही लिया, क्योंकि हमें पता है अभी वो सब फेंकती है चीज़ों को, तोड़ती है, क्योंकि उसका ना अभी इन चीज़ों में इतनी समझ नहीं ना, जब थोड़ी सी बड़ी होगी तो उसको समझ आ जाएगा। फिर यहाँ से हमने झुनझुना ले लिया उसको खेलने के लिए, क्योंकि वो इससे ज़्यादा खुश रहेगी। और ये जो बैग है कितना? उत्तर प्रदेश से ही में ही घुसे थे और उत्तर प्रदेश में ही बाहर निकल गए। एग्जिट कर लिया हमने, फाइनली वापस जा रहे हैं घर पर। हाँ भीड़ इतनी है तब भाग रहे हैं हम। हाँ क्योंकि 7:30 तक लास्ट है ना, 6 तो वैसे ही बज रहे हैं। तो हमने सब भीड़ को बोल दिया है कि भैया घर को निकल लो, यहाँ पे टाइम हो गया 7:30-6 बज रहे हैं। 7:30 का है ना? हाँ 7:30 का है, तो सब जा रहे हैं, तुम भी आए कहना। अब हमने अपना पूरा कवर कर लिया ट्रेड फेयर, क्योंकि
पिछले व्लॉग में हमने सिर्फ 14-15 ही करे थे कवर, और एक करके देते हैं तो अभी हमने पूरा कवर कर, बहुत सारा सामान है खरीदने के लिए और हैंडमेड ज़्यादा है, इतनी मोटी लानी पड़ी हैंडमेड बहुत है, हर साल लगती है, अगले साल फिर आ जाएंगे। तो पीछे देख सकते हैं कि उस पर लाइटिंग कितनी अच्छी लग रही है, तिरंगा भी आ रहा है, अलग अलग तरीके की आ रही है, और हम एग्जिट करते करते रुके, मतलब बाहर अभी पार्किंग की तरफ गए नहीं, पहले ये देख लेते हैं, थोड़ी पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं, फिर घर चलते हैं। बाय कर दिया, एग्जीबिशन को बाय कर दिया, फिर आएंगे, कोई और सी लगेगी। हाँ, यहाँ तो लगती है। तो फिलहाल हम पार्किंग में आ गए हैं और हम घर जा रहे हैं, और हमारा व्लॉग कहीं पे एंड करते हैं। आई होप अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर पार्ट वन नहीं देखा है ट्रेड फेयर का तो पार्ट वन भी देख लीजिएगा, और फैसल को कैसा लगा वो भी बता दें। अच्छा लगा, हर साल लगती है, इस बार व्लॉगिंग थी तो लास्ट डे पे डिस्काउंट काफ़ी अच्छा मिल जाता है, बहुत अच्छा मिल जाता है, हमें भी मिल गया, हमने थोड़ी बहुत चीज़ें ली, ज़्यादा नहीं ली, आने के लिए यहाँ आपको बहुत अच्छे अच्छे मोटा मोटा पैसा लेके आना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान होता है और दिल करता है कि सब कुछ ले लो। तो चलिए अब हम चलते हैं, अपनी स्कूटी उठाते हैं और घर चलते हैं, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, हमारे शॉर्ट्स देख लिया करिए और इसका फर्स्ट पार्ट भी देख लीजिएगा, और मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय।